हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी गाइड पे। सो नाउ आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। ये चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 17 है। इसका क्वेश्चन ये 2017 में नीट के एग्जाम में पूछा बेटा, ठीक है? तो देखो क्या पूछ रहा है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेल्स द एल्वोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, ओके। और चार ऑप्शन दिया, क्या होगा इसमें से, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लंग्स क्या है। कि देखो ये जो बना रहता है, ये ब्रोंकी वगैरह यहाँ पर रहता है, ठीक है? लंग्स आपका, मैं ऐसे रफली फिगर बना रही हूँ, ठीक है? ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है? अब ये तो लंग्स की बात है, जो कि बना है किससे बना है मेडअप? एयर फिल्ड सेक्स द एल्वोलाई, ठीक है? एल्वोलाई क्या होता है, आप ये पूछोगे कि मैम एल्वोलाई क्या होता है? उसमें मतलब एयर से वो भरा पड़ा है जो इसका सेक है, ठीक है? तो बेटा अंगूर तो देख, अंगूर का जो गुच्छा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ये कई ब्रांचेज इसमें बने रहते हैं, ठीक है? कई ब्रांचेज होते हैं इसमें, छोटा छोटा जो ऐसे अंगूर के गुच्छे जैसे ये बना रहता है यहाँ पे, ठीक है? जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है? तो जैसे अंगूर के गुच्छे जैसे होता है ये, एक्चुअली एल्वोलाई लंग्स का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है बेटा? तो इसको जो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्वोलाई, ठीक है बेटा? चलो इतना तो आप जान गए। अब ये क्या कर रहा है कि दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। फोर्सफुल मीन्स, अब देखो एक्सपीरेशन मतलब एक्सहेल करना पूरे ताकत के साथ ऐसे। ये तो आप इंस्पिरेशन कर रहे थे, क्या क्या आपने फोर्सफुल के साथ बाहर निकाला, सांस को लिया और बाहर निकाला, पूरे फोर्सफुल के साथ बाहर निकाला के बावजूद ही वो कोलैप्स नहीं होता। मीन्स ये जो लंग्स है इसका कोलैप्स नहीं होता, इसमें कोई भी प्रॉब्लम या ये सिंक होना मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है बेटा? क्योंकि देखो एक्चुअली जो लंग्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, रिमेन हो जाता है, ठीक है, बच जाता है, ठीक है? उसको ही हम बेटा क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसलिए इस हिसाब से ये चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है? और इसको भी देख लेते हैं कि ये तीन ऑप्शन क्या है, ठीक है? तो ये बेटा लिखा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है बेटा कि जो भी हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एयर, ठीक, इंस्पायर करते हैं, अंदर लेते हैं, वो क्या फोर्सफुल लेते हैं, तो उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है बेटा? और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बेटा कि जो भी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, नॉर्मल फोर्सफुल नहीं होगा, ठीक है? तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इस हिसाब से ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या करेंगे, जो हम सांस को बाहर छोड़ेंगे उसको भी क्या एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, क्या करेंगे बाहर निकालेंगे फोर्सफुल, ठीक है? ओके, फोर्सफुल बाहर निकालें, इसलिए इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? उस हिसाब से क्या ये ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा बेटा, रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या, इसका क्वांटिटी कितना होता है, 1000 से 1200 तक ml में होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली होता है। इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई, एल्वोलाई का मतलब मैंने आपको बता दिया पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है? एंड ऑफ द लंग्स, मतलब ये पूछ रहा है कि एल्वोलाई में आपका पार्शियल प्रेशर जो गैस का है उसका ये स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है? पहला दे दिया है कि बेटा इक्वल टू, इससे पहले तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है, ठीक है? तो बेटा
बेटा देखो पार्सी प्रेशर आप इसको कह सकते हैं कि सपोज मान लो एग्जांपल में एटमॉस्फेयर का ले, एटमॉस्फेयर में गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, ढेर सारे गैसेस है इसमें, तो आप कह सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ठीक है। तो ये सब गैसेस का जो मिक्सर है, इसमें से आप किसी एक गैस का जो प्रेशर जो होता है इंडिविजुअल, ठीक, उसको ही हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं बेटा, ठीक है। तो सपोज मान लो एटमॉस्फेयर में बेटा क्या होता है, टोटल आपका जो पार्शियल प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो आपका होता है कितना, 760 mmHg होता है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आता भी है एग्जाम में, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। तो बेटा ये तो एटमॉस्फेयर का हो गया टोटल, ठीक। एंड अब आप ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन आपका टोटल कितना होता है, 21% होता है। तो 21% का बेटा आप पार्शियल प्रेशर अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, 21/100 × 760, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 159 mmHg, ये आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हुआ। इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड का निकल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो ये तो पार्शियल प्रेशर की बात हुई, अब इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि कौन सा सही है, ठीक। तो देखो बेटा पहला ये कह रहा है इक्वल टू दैट इन द ब्लड, ठीक, ये पूछ रहा है क्या इक्वल होता है, जो एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई में और ब्लड में दोनों में इक्वल होता है क्या, नहीं होता बेटा, क्योंकि इक्वल नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है, क्योंकि एल्वोलाई में बेटा आपका होता है 104 होता है mmHg, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ओके। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसका कितना होता है बेटा, 90, इसका होता है बेटा आपका 96 होता है, ठीक है, ये होता है। तो आप ये देख सकते हो बेटा कि एल्वोलाई में क्या है, ज्यादा है, और ब्लड में कितना है, 96, मीन्स ये इक्वल तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि क्या दिया है, मोर देन दैट इन द ब्लड, मोर है, जाहिर सी बात है एल्वोलाई में ज्यादा है ब्लड के कंपेयर में, है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, लेस देन दैट इन द ब्लड, कम होता है एल्वोलाई में, नहीं, यहाँ पर तो ज्यादा है ना, मैंने बताया ना यहाँ पर कि जो पार्शियल प्रेशर 104 होता है, मीन्स लेस तो है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की तो बात हो नहीं रही है। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका 2016 में पूछा है, ठीक है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेंस इन लंग्स विच कैन नेवर एक्सपेल बिकॉज, ये चार ऑप्शन दिया, ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो लंग्स है कभी कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है, फॉल नहीं होता है या रुकता नहीं है, ठीक है, किसके बीच में, ब्रीथ, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, ठीक है, उसके बीच में ये कभी कोलैप्स नहीं होता है, क्योंकि दिया है कि सम एयर ऑलवेज रिमेन, मतलब कुछ एयर जो होता है हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कभी कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है बेटा, विच कैन नेवर एक्सपेल्ड बिकॉज, मतलब कभी ये बाहर नहीं निकलता, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब देखो पहला ऑप्शन दिया है देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, अब पहले ये जान लो कि नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो देखो बताती हूँ, यहाँ पर मैं रफली फिगर बना रही हूँ लंग्स का, ठीक है, देखो सपोज मान
लंग्स है तुम्हारा, ठीक है। तो अब ये लंग्स में बेटा ये जो आउटर, जो ये तुम्हारा लंग्स है ठीक है, तो इसका जो ये आउटर है ये, ठीक है, तो ये जो है इसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी, ठीक। और इसके बीच में जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटर प्लूरल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। बेटा इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है, ठीक है, उससे इसका प्रेशर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। किससे कम होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर में जो एयर है उससे इसका प्रेशर क्या होता है? कम होता है। एयर में, एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है और यहाँ पर इसका प्रेशर कम होता है, ठीक है। इसलिए इसको निगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको निगेटिव प्रेशर। देखो जैसे ये आपसे पूछा ना, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। अब देखो बेटा नेगेटिव तो प्रेशर है बट ये बोल रहा है इन द लंग्स, लंग्स में नहीं होता है। मैंने यहाँ पर बताया ना प्लूरल कैविटी में होता है। कहाँ होता है? प्लूरल कैविटी में। इसलिए मैंने पहले ये आपको समझा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो ये आपका कहाँ होता है? प्लूरल कैविटी में होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेकंड की बात करते हैं, देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, ठीक है। अब ये बोल रहा है ना नेगेटिव, नेगेटिव देखो मैंने ये बताया ना कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर को जो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है इसलिए इसको नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी भी दो ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं ना। तो ही अगर आप चारों को ऑप्शन समझोगे तो ही जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लगा दिए बाकी तीन के बारे में नहीं समझ। देखो बेटा देयर इज ए पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव मैंने बताया, ठीक। तो ये भी आपका गलत होगा, ठीक, निगेटिव होगा। ये ऑप्शन देखो आप कि क्या दिया है कि प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। मैंने बताया ना एटमॉस्फेयर प्रेशर से ये क्या होता है? हायर ही होता है, लेसर होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है बेटा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।